Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. फिर से मैं आप सब लोगों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आज आप आए हैं हमारी इस सेशन को अटेंड करने के लिए. उसके लिए दोबारा थैंक यू वेरी मच. तो क्या आप सब तैयार हैं नेक्स्ट सेशन के लिए? श्योर तैयार है आप सब लोग? ओके. तो किस चीज के लिए तैयार है? क्यों आए हैं हम लोग आज यहाँ पे? हाँ जी, सीखने के लिए आए हैं. ओके, और कुछ? और कोई जवाब? क्यों आए हैं हम आज यहाँ पे? हाँ जी, लेवल चेंज करने के लिए. ओके, और कुछ? स्पेशली मैं थोड़ा सा यहाँ पे महिलाओं से सुनना चाहूंगी, आप लोग की ड्रीम फुलफिल करने के लिए. ग्रेट, थैंक यू. यस, ओके. और कुछ? जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है, क्या मैं आप सबों से पूछ सकती हूँ आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, अपने सपने साकार करने के लिए. सपनों को फुलफिल करने के लिए, साकार करने के लिए. और यस, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं. क्यों आए हैं मैडम यहाँ पे? क्यों आए हैं हम लोग? सीखने के लिए. ओके, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस मुझे मिले. आप सबों ने बोला कि सीखने के लिए आए हैं, सपने फुलफिल करने के लिए आए हैं. क्या मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आप सबको बता सकती हूँ कि सपने आपके साकार हो जाएंगे, सीख भी लेंगे आप, बट महीने में जो 3 दिन मोबाइल में मैसेज आता है, हाँ या ना? आता है ना? सब कुछ के बाद अगर मोबाइल में वो 3 मैसेजेस नहीं आएंगे तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो क्या हम बोल सकते हैं हम सब यहाँ पे आए हैं अपने अपने इनकम को बढ़ाने के लिए? यस, सहमत हो इस चीज से सब लोग? यस. तो हम अगर यहाँ पे आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि हम सब चाहते हैं हमारी जो भी इनकम लेवल है उस इनकम लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए. राइट? यस और नो? ओके. क्या आप जानते हैं आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? yes. कौन सी कंपनी के साथ? yes. जी yes. जी yes. नहीं, बिल्कुल मुझे वो वाली जोश से बोलिए, कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? ओके yes. okay. चेयर्स के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं. क्या आप सब 3 हैंडल करते हैं? yes. 3 है? yes. सब लोग हैंडल करते हैं टीम्स? ओके. 3 के साथ चल के नए लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जाते हैं? yes. हाँ जी, सोच के बताएं, जाते हैं? yes. जाते हैं? yes. ओके. जब जाते हैं तब टीयर्स कहाँ होता है? दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कहाँ होता है? अजी, जुबान पे होता है और कहाँ होता है? दिल में होता है और कहाँ होता है? दिमाग में होता है और कहाँ होता है? हाजी, और कहाँ होता है? हाँ बोलिए, कहाँ लेके फिरते हैं टीयर्स को? कहाँ लेके जाते हैं टीयर्स को? अच्छा, दिल में लेके जाते हैं? लोगों के पास, लोगों के पास लेके जाते हैं. क्या हम बोल सकते हैं जब आप टीयर्स के प्रेजेंटेशन देने जाते हैं आप होते हो टीयर्स? यस और नो? आप जब लोगों को चांस के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, लोग आपके सुनने के बाद डिसाइड करते हैं आना है या फिर नहीं आना है. आप किसी को जाके उसके हेल्थ कंडीशन को बेटर करने के लिए चांस के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, आपके कहने पे वो डिसाइड करते हैं आना है, लेना है, नहीं लेना है. ये सुन लो राइट? अगर आपके कहने पे ये सारा चीज हो रहा है, क्या आप एकदम तह दिल से विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि आप ही हो टीएंस? आप ही हो टीएंस, बिकॉज आप जब टीएंस को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर. आप क्या हो टीएंस?
फियर्स के आप फियर्स के क्या हो आप फियर्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हो। आपने टीवी स्क्रीन पे ऐश्वर्या को देखा होगा लॉरेल शैम्पू का एड देखे हुए, देखा है काले लंबे घने बाल सिल्की बाल, वो बोलती है तो उसके बाद क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, क्या होता है हम लोग, हाँ जी यहाँ से किसी ने बोला, बोलिए फिर से, हम लोग जाते हैं और हम उनके कहने पे जाके लॉरेल शैम्पू परचेज करते हैं, ये सर ना पहले याद है आपको वो लक्स सोप का एड आता था, क्या होता था उसको देखने के बाद क्या होता था, लक्स खरीदने के लिए लोग बेचैन हो जाते थे, है ना, लक्स साबुन जाके खरीद के लेके आते थे, लक्स साबुन का कुछ वेरिएंट भी आ गया था याद है आप लोगों को, रोज वेरिएंट, जूही चावला भी आने लग गई और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस साबुन का जो है ऐड करने लग गई थी, और हम लोग क्या करते थे, हम लोग उनके देखे बताए हुए रास्ते पे चल के जाके हम लोग ये ब्रांड खरीद के लेके आते थे, ये सुन लो राइट। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में जब आप जाके किसी को टीआरएस के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, यस तो आप कौन है, आप है इन्फ्लुएंसर्स, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टीआरएस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई साहब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया है, कितने लोग प्रोडक्ट यूज करते हो, हाथ उठाए राइट। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो पता है क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और क्या होता है, और क्या होता है बताए, मैं बताऊँ आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या होता है, वेरी गुड यस मैम, हाँ यही बोलना चाह रहे थे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जो फायदा होता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस्तेमाल करने से होता ये है कि आपको पता होता है प्रोडक्ट का काम क्या है, आपको किसी किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ, किसी भी किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट अगर आपने इस्तेमाल किया आपको पता है कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, कितनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं जो कि हमारे आईडीज रेंज को यूज किया है, हमारे सैनिटरी नैपकिन को यूज किया है, मैं आपको बताऊं सैनिटरी नैपकिन यूज करने के बाद जो पीरियड्स के दिनों में पेट में दर्द होता है वो नहीं होता है, आईडीज यूज करने से वो नहीं होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको ये भी बता दूं ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, हमारा प्रोडक्ट मैनुअल खोल के देख लीजिए नहीं लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है इसलिए पता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है इसलिए पता है कि आईवीज का और बाजार से खरीदे हुए सैनिटरी नैपकिन का फर्क क्या है, बाजार से खरीदे हुए सैनिटरी नैपकिन यूज कर लो आपके पेट का दर्द जहां का वहीं पे रहेगा, आपको गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा पेट में सेक देने के लिए, हमारा आईडीज यूज करके देख लो आपको पीरियड्स के दिनों में पेट में दर्द नहीं होगा, या होगा भी तो वो कम होगा, यस लेडीज मेरे साथ हो जी हाँ, तो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपको ये फर्क पड़ता है, कितने लोगों ने टी पॉली यूज किया है, किसी ने टी पॉली यूज किया है ओके अगर आपने टी पॉली यूज किया है तो आपको ये पता होगा टी पॉली अगर आपने दो दिन लिया है आपके तीसरे दिन में आप देखोगे आपका यूरिन का कलर चेंज हो गया है, काफी क्लियर हो गया है, यस और नो, यस जो येलोइश यूरिन आप एक्सक्रीट करते हैं उसका कलर चेंज होके व्हाइटिश हो जाता है, यस और नो, यस तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट मैनुअल पे लिखा हुआ है क्या, जी नहीं लिखा हुआ है, ये आपको पता होता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। सो सबसे पहला जो सीक्रेट है हमारे इंडस्ट्री का वो ये है कि प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करो, सबसे पहला चीज, सबसे जो फर्स्ट थिंग हमारे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का जो मूल मंत्र है, पहला चीज है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, पिछले 15 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ,
बहुत सारे कंपनीज के साथ इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर मैंने काम किया है, और जो मैंने हर एक कंट्री में, तीन कंट्रीज में मैंने काम किया है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और हर एक कंट्री में मैंने जो देखा है वह यही है, सक्सेसफुल अगर होना है इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को खुद अपने घर पे यूज करो। नंबर टू, आपके घर में गेस्ट आते हैं, यस और नो? आते हैं गेस्ट। गेस्ट आने के बाद वो गेस्ट को आप चाय पानी पिलाते हैं, राइट? चाय पानी पीने के बाद गेस्ट एक जगह पे जाने का मंग बोलते हैं कि क्या आपके घर में है वॉशरूम, यस और नो? वॉशरूम जाना चाहते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। मैं आपको दूसरा एक सीक्रेट बता रही हूँ जो कि मैंने कभी अपने एक बहुत ही पुराने बॉस से सीखा था, और मैं आज भी वो चीज एकदम दिन तो फॉलो करती हूँ और लोगों को बताती भी। वो है आपके वॉशरूम में, आपके बाथरूम में आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उस कंपनी का रिप्रेजेंटेशन आपके बाथरूम में होना चाहिए। आई हैड लर्नड इट, मैंने ये चीज बहुत पहले एक बॉस से सीखा था जो कि रोमानिया के कंट्री हेड थे। ओके, आपके बाथरूम में आप क्या रख सकते हैं? साबुन रख सकते हैं, ये सुन लो, हैंड वॉश रख सकते हैं। तो आपके कंपनी, जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कंपनी का आप ब्रांड एम्बेसडर है, कौन सा कंपनी है वो? कौन सी कंपनी है वो? चेयर्स के पास हैंड वॉश आता है? चेयर्स के पास साबुन आता है? क्या हम इस चीज को, चेयर्स के पास टूथपेस्ट आता है? चेयर्स के पास शैम्पू आता है? चेयर्स के पास हेयर ऑयल आता है? क्या हम इन सारी चीजों को अपने बाथरूम में रख सकते हैं? यस में दम नहीं था। अच्छा, रखेंगे तो रखेंगे, चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो चाहते हैं कि आपका जो लेवल है वो आगे तक के जाए। कितने लोग आगे तक के जाना चाहते हैं इस बिजनेस में? सब लोगों ने हाथ उठाया, जी हाँ, आगे तक के जाना चाहते हैं। ओके, मैं आऊंगी वापस। आगे तक के अगर जाना चाहते हैं, ये जो मैंने टिप आपको दिया है, मैंने लोगों को इसको फॉलो करते हुए सक्सेसफुल होते हुए देखा है। 15 इयर्स में मैंने कम से कम 2,00,000 लोगों की जिंदगी चेंज होते हुए देखा है इंडिया में और इंडिया के बाहर, जिनके साथ मैंने क्लोजली काम किया है। मैंने इन लोगों को ग्रो करते हुए देखा है, इन लोगों को मैंने ग्रो करते हुए देखा है, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ अगर ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे आप भी ग्रो करेंगे। ये कहीं पे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बुक में नहीं लिखा हुआ है, जो कि फील्ड से मैंने उठाया है और फील्ड को मैं वापस देना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ ये जो चीजें आपको बोल रही हूँ, ये सारा का सारा चीज मैंने फील्ड से ही सीखा है, मैंने फील्ड से सीखा है। ओके, समझ में आया? सो अपने घर पे जाके आज देखिएगा, घर पे जो आपने हैंड वॉश, डेटॉल का हैंड वॉश रख रखा है ना, उसको तुरंत जाके चेंज करके नया हैंड वॉश रखिए। ओके, और घर पे जो किचन में प्रिल से बर्तन धोते हो ना, प्रिल को तुरंत चेंज करके डिचो में चेंज करो। ओके, जो घर पे आज के डेट में विस्कर और स्टेफ्री आता है ना, उसको तुरंत चेंज करो आईनेस में। ओके, घर पे जो लक्स साबुन से नहाते हो तुरंत चेंज करो अपने स्पा केयर में, और देखो मैजिक। और अंदर से फिर पुश आएगा कि भाई ये इसमें इतना ज्यादा फायदा है, तो इन फायदे को मैं बाहर क्यों ना लेके जाऊं। बाहर लेके जाओगे तो क्या होगा, आपका एक पैसा बनने का रास्ता बनेगा। बाहर लेके जाओगे, लोगों को बताओगे तो क्या होगा, आपका इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। यस और यस? Yes. Yes, sir, yes. Yes. कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा इनकम अपॉर्चुनिटी? हाँ, और यस, बोलिए, सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जाएंगे बाहर, जाएंगे जिसको भी मिलेंगे उसको जाके बोलेंगे हम यूज कर रहे हैं, आप ही करो, कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस yes. कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, कर सकते हैं? कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स में बहुत दम है, हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत पावर है, हमारे प्लान में बहुत पावर है। ओके, मूविंग ऑन, तो क्या आप सब बिलीव करते हैं कि टियांस के आप फैन है, सुपर फैन है, टियांस के फैन है? यस, टियांस के फैन है? यस,
PCM भी है और ग्रेट ग्रेट सर के लिए जोरदार तालियां। सर इसीलिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने यस और यस पूछा सर का जो यस और यस में दम था बिकॉज ये बाकी में प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको पता है प्रोडक्ट में कितना पावर है राइट। अमेजिंग ग्रेट मूविंग ऑन। सो ये जो इंडस्ट्री के साथ हम और आप जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री का नाम क्या है? हाँ जी इंडस्ट्री 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 लेडीज नाक मत कटवाओ यार, बता दो कौन से इंडस्ट्री के पार्ट हो? डायरेक्ट सेलिंग बोलो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या बोल दो? ओके नाउ बिफोर आई मूव अहेड मैं आप सबको एक चीज पूछना चाहूंगी, आप आज यहाँ पे क्यों आए हैं? दोबारा पूछ रही हूँ, बता दो क्यों आए हैं? मुझसे मिलने और मुझसे सीखने। ओके और इनकम बढ़ाने। इनकम बढ़ाने मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती, कुछ ही नहीं सिखा सकती बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता है एंड दैट इज व्हाई आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने डिसाइड किया था इस टीएस के साथ जुड़ने का तब बहुत सारे लोग थे ना आपके साथ और आपके टीम में बहुत सारे लोग आज भी हैं, क्या वो सब आज आपके आजू बाजू में बैठे हुए हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं करेक्ट? Yes. बहुत सारे लोग आज इस सेमिनार में आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, ये तो नो सही बोल रही हूँ मैं? Yes. बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए शायद प्रायोरिटी कुछ और है और आप आए हैं शायद आपका प्रायोरिटी कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं राइट? Yes. इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं। आज संडे है, आप अपने परिवार के साथ दिन बिता सकते थे, आप परिवार को दिवाली शॉपिंग के लिए लेके जा सकते थे, वो नहीं करके आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना आप में और बाकियों में। हाँ तो जो टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं आज यहाँ पे किसी और के लिए नहीं, आप अपने आप को ये टाइम दीजिए और टाइम का सही सही फायदा उठाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टाइम का सही सही फायदा उठाइए और अपने ऊपर काम कीजिए। बिजनेस किसका है? किसका बिजनेस है? अरे चांस का जो बिजनेस करते हो जी वो बिजनेस किसका है? मेरा। किसका है मेरा। लेडीज किसका है? मेरा। किसका है बिजनेस? नहीं नहीं सर का राघव सर का है, गौरव सर का है, किसका बिजनेस है? किसका? नहीं गौरव सर का, राघव सर का नहीं, किसका है? मेरा बिजनेस है। yes. आपका बिजनेस है, बिजनेस किसका है मैडम? सर किसका बिजनेस है? बढ़ेगा कौन? पैसा किसको मिलेगा? गौरव सर को, राघवेंद्र सर को? नहीं किसको मिलेगा पैसा? कैसे पैसा किसको मिलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नहीं मेरी अपना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अकाउंट में पैसा किसका आता है? लीडर का। किसके अकाउंट में पैसा आता है? तो सीखेगा कौन? कौन बताएगा कौन आगे चल के लोगों को? नहीं सर बताएंगे, नहीं सर बताएंगे, बोलिए सर, सर आप बताएंगे। प्लान प्रेजेंटेशन कौन करेगा? हाँ आप बताइए प्लान प्रेजेंटेशन कौन करेगा? हाँ सर करेंगे ना, सर करेंगे, फिर कौन करेगा प्लान प्रेजेंटेशन? कौन करेगा? बिजनेस आपका है, पैसा आपने आना है, पैसा आपको कमाना है, सपने आपके फुलफिल करने हैं, प्लान प्रेजेंटेशन किसको करना होगा? बिल्कुल दम नहीं है यार, करेंगे तो ठीक है नहीं तो सर तो है ये है, ऐसा है क्या? कौन करेंगे? खुद का बिजनेस है, खुद को पैसा कमाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरी है तो प्लान प्रेजेंटेशन मुझे ही करना होगा। यस और यस प्लान प्रेजेंटेशन ही मुझे ही करना होगा। देखिए हमारा जो इंडस्ट्री है इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहती हूँ ताकि आपके दिल में ये जो आपका डिसीशन है, डिसीशन सही है इस इंडस्ट्री के साथ जो आपने जुड़ने का डिसीशन लिया, डिसीशन सही है कि आपने दोबारा इसको सोचना है, इन स्टैटिस्टिक्स के साथ डिसाइड कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर हमारा जो ये इंडस्ट्री है 18,000 करोड़ की है एज ऑन 2020-21। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्लोज हो चुके हैं कोविड के जो पीरियड था उस पीरियड में, बट ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री में 7.7% रेट में इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली है। तो मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, बहुत 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 रूना जी आपने ये क्या बता दिया यार, एकदम दिल टूट गया, सबका दिल टूट गया राइट, ये खबर सुनते ही आप लोगों का रिएक्शन से मुझे यही लग रहा है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो किया है तो यार दिल टूट गया, क्यों ग्रो किया, ऐसा है अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज है बुरी न्यूज है, तो अच्छी न्यूज को कैसे मनाते हैं हम लोग, आर यू श्योर अच्छी न्यूज है ओके। और देखिए हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, जनता की जो कि हम और आप हैं, हमारे जैसे डायरेक्ट सेलर्स जो है उनका भी ग्रोथ हुआ है, यानी बहुत सारे नए लोग हमारे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो आज के डेट के अंदर 7.9 मिलियन लोग हमारे इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं 1 मिलियन में 10 लाख होता है और उल्टा 10 लाख में 1 मिलियन होता है, यहाँ पर मैं 7.9 मिलियन के बारे में बात कर रही हूँ, समझ में आया ओके। मूविंग ऑन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र इंडस्ट्री है जो कि ग्रोथ को मेंटेन कर पाया है कोविड सिचुएशन में लॉकडाउन के बावजूद ओके। एकमात्र इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में मैंने आपको पहले बताया है 2020-21 में हमने 18,000 करोड़ का जो है हमने रेवेन्यू इसमें रिकॉर्ड किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी अभी मैंने 7.9 मिलियन के बारे में बात कर रही थी, विच इज लगभग 80 लाख इंडियंस इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें हम और आती है। और खुशी की बात यह भी है कि जो भी हमारे छोटे छोटे शहर हैं इंडिया के अंदर जिसको हम Tier 2 और Tier 3 सिटीज बोलते हैं, इन सिटीज के अंदर हमने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। मतलब इन शहरों के जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि हम इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के हम अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं, हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हमारी जिंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं। मानते हो इस बात को? Yes. और एक चीज जो कि मैं चाहूंगी कि प्लीज आप सब रिकॉर्ड करें वो है इस पीरियड में, इस टाइम में वेलनेस कैटेगरी, लोगों का जो हेल्थ एंड वेलनेस है, लोगों का जो माइंडसेट है, पहले माइंडसेट क्या था, पहले माइंडसेट था कि हम स्किन को बेटर करेंगे, पहले माइंडसेट था स्किन केयर हेयर केयर के ऊपर, वो माइंडसेट शिफ्ट हो गया, अब आ गया है वेलनेस कैटेगरी में। तो देखा जाए तो ग्लोबली जो हमारा वेलनेस कैटेगरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो 35% के रेट से ग्रो किया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये नोट जरूर करें, 2025 तक के 18 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ने वाले हैं। अब जो है 8 मिलियन लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आज के डेट में 8 मिलियन लोग हमारे इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं जो कि 2025 आते आते 18 मिलियन लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर हम लेके आएंगे, समझ में आया। सो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, पता है मैं आप लोगों के साथ ये डेटा इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं उस इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ क्या है, उस इंडस्ट्री से आपको आगे चल के क्या मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अभी 18 मिलियन लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले वो कहाँ किसके पास आएंगे अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हुए, हाँ जी हमारे पास,
अच्छा, आप सबको पता है ये लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए हमारे पास आए हैं। यस यस। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आप तैयार हैं इन लोगों को अपनी टीम में जोड़ने के लिए? यस। अच्छा, श्योर? यस। श्योर? यस। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये 18 मिलियन लोग जो आएंगे हमारे इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए, कितना टाइम है हमारे पास? 3 साल टाइम है। अब ये जो लोग हैं ये कहाँ पे हैं? मार्केट में। ओके, मार्केट में कहाँ पे? और डेप्थ में चलिए, मार्केट में कहाँ पे? आसपास, गांव, शहर, विलेज। ओके, और कहाँ पे हैं? धरती पर। जरूर है सर, बिल्कुल डेफिनेटली। एक चीज नोट कीजिए, अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये जो 18 मिलियन लोग आएंगे ना, 37% नहीं लिखा हुआ है स्लाइड में, नोट कीजिए, 37% पॉपुलेशन जो कि 20 से 25 साल के एज ब्रैकेट में है, ध्यान से सुनिए, 20 से 25 साल के एज ब्रैकेट में जो लोग हैं वही लोग हैं जो कि अभी इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए मार्केट में आएंगे। समझ रहे हो? Yes. क्यों? क्योंकि अभी अभी अपना ग्रेजुएशन या अपना पढ़ाई कंप्लीट करके ढूंढेंगे नौकरी उतनी है नहीं मार्केट में, है ना? नौकरी अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बिजनेस करते हुए अगर इनमें से 10-20% लोग भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए तो ये लोग 20 से 25 साल वाले लोग होंगे जो कि हमारे पास आएंगे अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हुए। समझ में आया? आप बताओ इन लोगों को कहां से आप टैप करोगे, ये लोग कहां पे हैं? 20 से 25 साल वाले जो लोग हैं ये कहां पे हैं? हाँ जी, कॉलेज। अच्छा, क्या आप उस एज ब्रैकेट में हैं? 20 से 25 साल, ओके, उस एज ब्रैकेट में है, राइट? क्या आप अभी इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं? ओके, मेरा सवाल है आपसे, बैठिए, कोई बात नहीं, दिन का कितना टाइम आप इंटरनेट में स्पेंड करती हैं? 2 से 3 घंटा। ये जो मैडम बैठी हुई हैं, जो कि हमारे 20 से 25 साल एज ब्रैकेट के अंदर आती हैं, दिन के 3 से 4 घंटे ये इंटरनेट में स्पेंड करती हैं। ध्यान दीजिएगा। और क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ, आप इंस्टाग्राम यूज करती हैं? करती थी, अभी नहीं करती। फेसबुक? नो मैम। इंस्टा, यूट्यूब? यस, यूट्यूब। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, यूट्यूब यूज करती हैं, इंस्टाग्राम यूज करती थी, अभी नहीं करती हैं, और दिन के 3 से 4 घंटे इंटरनेट में स्पेंड करती हैं। तो ये लोग आपको कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, आप जवाब दीजिए, ये लोग आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम जरूर बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, कि एक से दूसरे को हम बोलेंगे, दूसरे से तीसरे को बोलेंगे, तीसरे से चौथे को बोलेंगे, और वहां से हम टीम बिल्डिंग करेंगे। डेफिनेटली ये आपका ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है, बट इसके साथ साथ आपको अभी जो करना पड़ेगा, जो अभी राघवेंद्र सर भी बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे? डिजिटल अडॉप्शन के बारे में बात कर रहे थे, कि आपको लोगों को हमारे जूम पैनल पे लेके आना है। बोला था ना उन्होंने? बोला था ना? समझ में आया? अभी कोरिलेशन समझ में आया? कितने लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज करते हैं? मैडम आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप इंस्टाग्राम यूज करती हैं? क्या आप भी ये 20 से 25 साल के एज ब्रैकेट में आती होंगी? ओके, तो इंस्टाग्राम में आप क्या करती हैं मैम? रील्स को देखती होंगी? कितना टाइम, लगभग कितना टाइम, दिन का कितना टाइम स्पेंड करती है इंस्टाग्राम में? 1.5-2 आवर्स। फिर 1 घंटा? 1 घंटा यूज करती है। थैंक यू, बैठिए। समझ में आया आप लोगों को, ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको? ना, ये जो लोग, ये जो इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, मैं आप लोगों को ध्यान देने का रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो इंडस्ट्री में इतने सारे लोग आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, वही लोग आएंगे जो कि अपने जिंदगी में अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और 37% 20 से 25 साल के ब्रैकेट में जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और अपॉर्चुनिटी
और इनमें से अगर 20-30% लोग भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा इनको हमारे साथ ऐड करके साथ में लेके चलने के लिए। समझ में आया? क्या उसके लिए तैयार है हम? क्या तैयार है हम? ओके, तो मैं आपको एक और छोटा सा टिप देना चाहूंगी एंड दैट इज इंस्टाग्राम में रील बनाना बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। यस इजी है। और रील में पता है हम बहुत बड़ी टाइम वेस्ट करते हैं, एक बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है और हम ना फेशियल एक्सप्रेशन देकर रील बनाते हैं, राइट? वो हंस रही है बिकॉज यही देखती रहती है एक घंटा। यस सही बोला मैम मैंने? आप सोचिए अगर आप इंस्टाग्राम में जाके देखेंगे ये एक एक रील का व्यूअरशिप अगर देखोगे ना 20,000-25,000 कई बारी तो एक 1.5 लाख। यस सही बोला मैंने, 1.5 लाख व्यूअरशिप, मतलब एक एक रील को 1.5 लाख लोग देख रहे हैं। समझ में आया? क्या हम इंस्टेड ऑफ ऐसे फेस बनाने के बदले क्या हम एक चांस का प्रोडक्ट हाथ में उठा के बोल सकते हैं ये है टीकोली और टियांस इंडिया के पास ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट दिलाती है। आपके बॉडी का जो भी टॉक्सिन है वो टॉक्सिन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपके एक्सक्रीशन सिस्टम के साथ आपके बॉडी के बाहर चला जाता है, बॉडी का जो हेल्थ है हेल्थ क्वालिटी बेटर होता है। क्या कर सकते हैं इसको हम? क्या हम कर सकते हैं इसको? yes. सोचिए 1.5 लाख नहीं तो अगर 15,000 लोगों ने भी आपका ये एक टीपॉली का रील देख लिया और उसमें से अगर 15 भी क्वेरी आपके पास आ गई और 15 क्वेरी से अगर आपने 5 लोगों की भी ज्वाइनिंग कर दिया तो कहां से कहां जा सकता है हमारा बिजनेस? लॉजिक है इसमें? बात करते हैं, गूगल मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं, डिजिटल सिस्टम को आपके हाथ में अगर एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए। ओके, स्मार्टफोन को स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए, देखिए आपके बिजनेस कैसे स्मार्टली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। हो सकता है यही सेम चीज इंस्टाग्राम में भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया यंग लोगों के लिए, यही सेम चीज आप फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं। फेसबुक में भी इनफैक्ट इंस्टाग्राम एक ही रील बनाइए, वो एक ही रील इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों साथ में आप अपलोड कर सकते हैं, है ना? यस एक ही रील को दोनों जगह पे आप साथ में एक ही टाइम में अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक में आपको थोड़ा सा एजेड जो कैटेगरी है वो मिलेंगे, इंस्टाग्राम में बहुत यंग लोग मिलेंगे। बट सोच के देखिए 15,000 लोगों ने आपका रील देखा, उसमें से 15 लोगों ने इंक्वायरी दी, उसमें से आपने 5 ज्वाइनिंग किया, फॉरगेट ज्वाइनिंग, 5 लोगों ने ज्वाइनिंग भी नहीं किया बट 5 लोगों ने टीपॉली लेके गया आपसे, 5 में से एक बीसीएम मशीन भी किया। समझ में आया? पॉसिबल है? लोग कहां से मिलेंगे? समझ में आया? हमारे दिमाग में ये एक डर सा रहता है कि जाके हम कैसे बोले, हम प्रेजेंटेशन कैसे दे, शर्म आती है हमें, हेजिटेशन होता है। ये सुन लो, हेजिटेशन होता है, कितने लोगों को हेजिटेशन होता है? हाथ उठाइए क्योंकि यहाँ पे हम ही लोग देख रहे हैं, होता है हेजिटेशन, हिचकिचाहट होती है, होती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हिचकिचाहट जब भी हो तब ना आप मन में ये चीज याद कीजिए कि इस काम को अगर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस काम को अगर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्यों का जवाब है कि आपके पास, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, नो मेरे पास इस क्यों मैं चांस कर रही हूं उसका जवाब क्लैरिटी मेरे पास नहीं है, राइट? नहीं है। कितने लोगों के पास ये क्यों का जवाब है? देखिए अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं जॉब क्यों करती हूं, मेरे पास मेरा क्यों क्लियर है,
मैं मेरे पेरेंट्स हम मेरे पेरेंट्स जो हैं हम दो बहनें हैं राइट हम दो बहनें मैं बड़ी हूं और मेरी एक छोटी सिस्टर है मेरा कोई भाई नहीं है ओके खुद का भाई नहीं है तो मैं अगर अपने लिए कुछ ना करूं मैं अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकती हूं आगे चल के उनके ओल्ड एज पे मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है उनके ओल्ड एज पे मैंने अपने पापा को सपोर्ट किया मेरे बहन को शादी करवाने पे मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया मेरे ननद की शादी करवाने के लिए और मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल क्लियर है मैंने शादी किया है बिहारी राजपूत से मैं हूं बंगाली मैन मायसेल्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर डिसीशन लिया था कि अगर वो आपके एक बंगाली से शादी कर रहे हैं तो उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे शेयर करना पड़ेगा जैसे कि मेरी जो ननद है उसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे शेयर करना पड़ेगा वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट तो मुझे घर से निकाल के जॉब करना पड़ता है आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट मुझे अपना घर चाहिए मेरे पास आज के डेट में मेरे खुद का 3 गाड़ियां हैं That is my शौक मेरा शौक है मेरे पास गाड़ियां हो मेरे पास आई हैव गॉट 3 कार्स माई सेल्फ मेरे खुद के मेरे हस्बैंड का शौक नहीं है मेरा शौक है वो तो अगर मुझे आज के डेट में एनजी हेक्टर ड्राइव करना है 17 लाख की गाड़ी उसका ईएमआई अगर पे करना है तो सर और मैम मुझे घर से निकल के जॉब करना पड़ेगा मुझे महीने का सैलरी घर पे लेके जाना पड़ेगा मेरा घर 80% घर चलता है इसको बोलने पे मुझे कोई शर्त नहीं है तो मेरा वाई जो है ना मेरा वाई WHY जो है मेरा वाई एकदम क्लियर है जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो मुझे घर से निकलना पड़ेगा मैं घर से निकलने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आपके दिमाग में आपका वाई क्यों करते हो ध्यान क्लियर है क्लियर है तो अगले 30 दिनों में टियान से जो पैसा मिलता है उससे क्या करना है डिफाइन करो तो देखना किसी के सामने जाके जब टियान का प्रेजेंटेशन देंगे ना ऑटोमेटिकली दिल से आएगा यार कुछ बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं टियान के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 5 महीने से मैं टियान के साथ जुड़ी हुई हूँ क्या आपको पता है टियान एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोगों को रिवॉर्ड के रिवॉर्ड के रूप में एरोप्लेन दिया गया है डू यू नो दैट Tiyans एक ऐसी कंपनी है बहुत बड़ी जी हाँ Tiyans एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोगों को एरोप्लेन गिफ्ट किया गया है अब उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं इसे हेजिटेशन अगर होता है मैं आपको चौथी टिप दे रही हूँ आईने के सामने खड़े हो जाओ आईने के सामने खड़े हो जाओ और Tiyans का प्रेजेंटेशन करो इस इंसान को करो जिस इंसान को सुबह शाम आप देखते हैं उस इंसान के सामने प्रेजेंटेशन करो और देखो उस इंसान को आप कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं आप आईने के सामने जिसको देख रहे हो ना उस इंसान को सबसे पहले उस इंसान को कन्विंस करो Tiyans ज्वाइन करने के लिए अगर उस इंसान को आपने कन्विंस कर लिया तो दुनिया आपके हाथों में पता है क्यों ध्यान रखिएगा ये वही इंसान है जो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा ये वही इंसान है जो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा तो सबसे पहले इस इंसान को कन्विंस करिए इतिहास के साथ जुड़ने के बाद आपका लाइफ और लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो सकता है समझ में आया यस बिकॉज ये वो इंसान है किसी और को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं Tiyans क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है अपने आप से सवाल करो कि यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस दुनिया में तो Tiyans ही क्यों डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों प्रेजेंटेशन ही क्यों लोगों को जाके ये बोलने वाला काम ही क्यों क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है और मुझे पता है मैं इसमें सक्सेस लेके आ सकती हूँ ये सर यस यस ये वो काम है सुनिए ध्यान
जेंटलमैन, आप किसी को गुड हेल्थ दे सकते हैं, आप किसी की जिंदगी में एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं होते, डॉक्टर के पास चले जाओ पहले फीस दो, लॉयर के पास चले जाओ पहले फीस दो, टीचर के पास चले जाओ जी वो पहले फीस मांगेंगे आपसे। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा है कि मैडम पहले जाके हमारा मल्टीविटामिन आप ट्राई करें, अगर आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है दोबारा आके मेरे साथ बात कीजिएगा, यू कैन डू दैट। मैं कैसे अपना टीम बनाती हूँ, मैं कैसे लोगों को इस बिजनेस पे लेके आती हूँ। अगर तुमको लगे कि ये काम तुम कर सकती हो तो फिर मुझे बोलना, मैं तुमको कैसे टीम बिल्डिंग करना है वो मैं सिखाऊंगी आपको। ओके, हमेशा ऐसे होता है, आपका हाथ इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, वो है इस इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ एंड दैट इज द रीजन इस इंडस्ट्री का जो आप देख रहे हो ग्रोथ इसीलिए है। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। जो यहाँ पे खड़े खड़े आपकी स्पीकर कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट। घर गृहस्थी बच्चा सब कुछ संभालते हुए मैंने अपना करियर किया है, मैंने अपने करियर को एस्टेब्लिश किया, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी, बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे भी घर पे खाना बनाना पड़ता है, मुझे भी घर पे अपने सास ससुर को जवाब देना पड़ता है, मेरे मम्मी पापा को जवाब देना पड़ता है, मेरे बच्चे को जवाब देना पड़ता है, मेरे पति को जवाब देना पड़ता है, मेरे बॉस को भी जवाब देना पड़ता है, कभी कभी चाइनीज भी जवाब देना पड़ता है ना। बट फिर भी मिस्टर मजूमदार की बेटी से, गौरव की बीवी से, आयन की मम्मी से, जो आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है मेरा रूना मजूमदार, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कवर करना आसान नहीं है। बट हर दिन कवर करती हूँ, हर दिन कवर करती हूँ, हर दिन कवर करती हूँ। दावे के साथ बता रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। दिन के 3 से 4 घंटे की आंच को दीजिए और देखिए आपका लाइफ और लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है। 5 बार टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। आप अगर इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप अपने लिए एक अर्निंग बना रहे हैं, कल को जब भी आप डिसाइड करेंगे आपको रिटायर होना है और इस काम को और नहीं करना है, ठीक है, आपको रिटायर होना है और काम को नहीं करना है, आप अपने बिजनेस को अपने नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर सकते हैं, अपने बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं, ये सर यस, अपने बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं। सोचिए आपने जिस दिन अपने बच्चे को ये बिजनेस हैंड ओवर किया, आपकी जो अर्निंग है, अर्निंग लेवल 1 लाख की है, आपका जो बच्चा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, 1 लाख अर्निंग से अपना जिंदगी स्टार्ट करेगा। इस इंडस्ट्री में वो पावर है। सोचिए आपका बच्चा जीरो से अपनी लाइफ नहीं स्टार्ट कर रहा है, जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन आप उनको वो बना के दे रहे हो, 1 लाख आप बना के दे रहे हो, 1 लाख को वो 10 लाख में, 2 साल 3 साल में लेके जा सकता है। सोचो कितना बड़ा एक गिफ्ट आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में वो पावर है। यस, तो अगले बार जो हेजिटेशन हो, ध्यान रखिएगा आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे को एक आप खिलौना खरीद के दो, बच्चे को एक आप अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, वो भी पावर इस इंडस्ट्री में है, साथ ही साथ उसको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म बना के दो, वो भी आप हैंड्स के अंदर से करके दे सकते हो उसको। करने के लिए आपको क्या लगता है, व्हाट आर द स्किल्स, क्या क्या स्किल हमारे में होना चाहिए ताकि हम ये सब कर पाए, क्या क्या स्किल होना चाहिए कि हम ये सब कर पाए, क्या लगता है, क्या बताइए आपको जो लगता है। देखिए कोई सही या गलत नहीं है, आईएएस का एग्जाम ही चल रहा है, आप बोल सकते हैं वेरी गुड नॉलेज, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस प्लान का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो नॉलेज और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होनी चाहिए, एब्सोल्युटली जी, मार्केटिंग तो
जी और कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी गुड, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए. ओके तो अभी आप लोग चलिए इस स्लाइड को स्लाइड आप सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पीछे आगे जो भी है सबको दिख रहा है, राइट. ओके तो इस स्लाइड में जो है यहाँ पे क्या है मैं बता रही हूँ आपको. ए से जेड अल्फाबेट्स होते हैं ना हमारे, ए बी सी डी करके ए से जेड तक के सारे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे. और ए के नीचे वन लिखा हुआ है बिकॉज ए नंबर वन अल्फाबेट है. बी हुआ टू, सी हुआ थ्री, ये सब लोग समझ में आया. उसी हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया है ए से जेड और हर एक अल्फाबेट के नीचे एक एक नंबर दिया हुआ है उसके कोरिस्पोंडिंग नंबर. ठीक है तो अभी आपने बोला आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस का ये स्पेलिंग है तो डायरी पेन और मोबाइल का जो कैलकुलेटर ऑप्शन है उसको खोलिए. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डायरी पेन एक ले लीजिए, मोबाइल का जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो खोलिए. हर किसी के मोबाइल में कैलकुलेटर है राइट, वो कैलकुलेटर वाला ऑप्शन खोलिए. तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे है वो है कॉन्फिडेंस. ओके तो चलिए कॉन्फिडेंस का एक हम नंबरिंग करके और देखते हैं कॉन्फिडेंस कितना नंबर हमें दे सकता है. सी सबसे पहले, अच्छा कॉन्फिडेंस का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है सी ओ एन एफ आई डी एन सी ई, लिखिए अपने नोटबुक पे. तो सबसे पहले है सी, सी यानी थ्री, थ्री प्लस ओ यानी 15, थ्री प्लस 15 एन, एन का हुआ 14, प्लस 14 कीजिए एफ, प्लस 6 कीजिए आई, 9 प्लस 9 कीजिए बी, 4 प्लस 4 कीजिए ई, 5 प्लस 5 कीजिए एन, 14 प्लस 14 सी, 3 प्लस 3 एंड ई प्लस 5 कितना आया 78. तो अगर हम आत्मविश्वासी है, अगर हम कॉन्फिडेंट है और हम जाके किसी को भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लगभग 78% हम सक्सेस रेट लेके आ सकते हैं. दिस इज साइंस. ओके चलिए आपने नॉलेज भी बोला था राइट, तो नॉलेज का कैलकुलेशन करते हैं. K N O W N E D G E नॉलेज. ओके नॉलेज का K का 11 प्लस 14 N का 14 प्लस O का 15 प्लस W का 23 प्लस L का 12 प्लस E का 5 D का 4 G का 7 और E का 5 कितना आया 96%. अगर आपके पास भरपूर नॉलेज है 96% करके हम सक्सेस लेके आ सकते हैं. ओके अब एक और जो स्किल है उसके ऊपर काम करते हैं जिसको बोला जाता है एटीट्यूड. एटीट्यूड यानी हमारी जो माइंडसेट है. ओके एटीट्यूड का कैलकुलेशन करते हैं. A इज इक्वल टू 1 प्लस टी, T इज इक्वल टू 20, डबल T है सो 20 प्लस 20, I इज इक्वल टू 9 प्लस T इज इक्वल टू 20 प्लस U इज इक्वल टू 21 प्लस D 4 प्लस E 5 कितना आया 100 एटीट्यूड से. सो हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल है, बट अगर हमारे पास सही माइंडसेट की कमी है, नजरिया जो सही नजरिया है, सही जो माइंडसेट है, सही जो एटीट्यूड है वो अगर नहीं है तो कितने लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं. अच्छा ऐसे कितने भी आ रहे हैं मतलब अच्छा ये पूरा ग्रेट थैंक यू. खाना हम जब बनाते हैं एक चीज है जो देह डलने से खाना फीका पड़ जाता है, वो क्या है? सो एटीट्यूड इज अ नमक ऑफ योर बिजनेस. एटीट्यूड इज अ नमक ऑफ योर बिजनेस. अगर बिजनेस में ये जो बिजनेस है ये किस चीज की बिजनेस है ये लोगों की बिजनेस
है. आपको हर दिन हर पल हर मोमेंट हर दिन हर पल हर मोमेंट लोगों को जोड़ते रहना है. ओके एंड बिलीव मी लोगों को जो डील करते हैं ना, ये जो पीपल डीलिंग है, पीपल मैनेजमेंट है, हमारी जिंदगी का सबसे कठिन चीज वही है. किसको कब किस चीज से बुरा लग जाए यू डोंट नो. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को डील करना, लोगों को डील करना. और आप क्या बोल रहे हैं वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कैसे बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट. आप क्या बोल रहे हैं वो शायद उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोल रहे हैं. दीदी आज ना मुझे एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए आपको लेके जाना है, 2 बजे आ जाऊं आपको लेने के लिए. नहीं नहीं यार नहीं हो पाएगा, तुम्हें नहीं पता है अभी दिवाली है, दिवाली की साफ सफाई चल रही है घर पे, मैं कैसे आ जाऊं. तुम लोग इतनी पागल हो, तुमको इतना सिखाते नहीं सीखते हो, नहीं सीखते हो. फिर से तुम मुझे फोन करके बोल रहे हो कि दीदी अब फिर कितना बार समझाया कि नहीं अपॉर्चुनिटी मीटिंग का प्रेजेंटेशन तुमको खुद को करना है. अगले बार फोन करो, 28 की क्लोजिंग होती है ना, 27 को फोन करो, फोन नहीं उठेगा, फोन नहीं उठेगा. एंड स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी लेडीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेडीज टू लेडीज जो होती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. जेंट्स टू जेंट्स जो डीलिंग होती है, ये लोग बाहर जाएंगे एक सुट्टा ब्रेक लेंगे, ये ना फिर ये देखिएगा ऐसे वापस आ रहे हैं. और हम लोग अरे वो पता है एक चुड़ैल टाइप की है, मेरी जैसी साड़ी खरीदी है दिवाली के अंदर, मुझे नहीं देखा है उसका शक्ल वाला. ये होता है रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी. सुनिए मैं आपको जो पहले बोला था, मैंने ये चीज फिर से सीखा है. बिहार झारखंड के अंदर मैंने धूप जाड़े में मैंने काम किया है, मैंने लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा है, मुझे पता है कैसे ये चीज होती है. राइट सो एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट ऑफ योर बिजनेस. ये आपके बिजनेस का सॉल्ट है. यही चीज सुनो ना, मैं तो चलने के लिए तैयार हो जाती बट पता है ना आज ना ये घर पे आए हैं, दिवाली का साफ सफाई चल रहा है, अगर मैं घर से निकल गई इतना चिल्लाएंगे पूरा पूरा माहौल खराब हो जाएगा. तुम यार एक काम करो, तुम जाओ प्रेजेंटेशन के लिए, वहां से ना मुझे तुम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना, ठीक है. मैं छत पे चली जाऊंगी और वो वहां पे मैं तुम्हारे जो प्रोस्पेक्टस को मैं समझा दूंगी. तुम जाओ कोई टेंशन ना लो, तुम जाओ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं वीडियो कॉल में समझा दूंगी. आपने वही किया बट उनको एक ऑप्शन के साथ छोड़ा कि मैं जा तो नहीं सकती बट मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी वीडियो कॉल के जरिए. इससे क्या होगा, उसको लगेगा आप उसके ग्रोथ के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं. समझ में आया? Yes. तो आपने ये जो डीलिंग इसके साथ जो अभी दूसरे तरीके से आपने डील किया, आपको क्या लगता है वो बेटर है कि पहले वाला बेटर था? दूसरा वाला बेटर है. ये सुन लो, तो ये करने के लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा बट मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टफुली मैंने काम किया. इससे क्या होगा, मेरे डाउनलाइन के साथ मेरे लोगों के साथ मेरी जो रिलेशनशिप है वो खराब नहीं होगी. समझ में आया? सो एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस बिल्डर, एज अ टीम लीडर, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना है कि कैसे इस चीज को आप डील कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके. सो बेसिकली कॉन्फिडेंस, स्किल, नॉलेज, पोजीशन, सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारे पास नमक सही ना हो तो खाना आप परोसने के बावजूद खाना स्वादिष्ट नहीं होगा. और खाना जो है, खाना खाने के बाद आपको वो अंदर से वो संतुष्टि वाली फीलिंग आती है ना, खाना खाने के बाद संतुष्टि नहीं मिल पाएगी. सो ध्यान रखिएगा हमारे बिजनेस का जो नमक है वो क्या है, नमक क्या है, नमक क्या है, एब्सोल्युटली यस. तो ये जो है ये आपका बिजनेस, आपका बिहेवियर, आपका डीलिंग, सब कुछ इसी चीज से कंट्रोल होता है जो कि नहीं दिखता है, दिखता नहीं है बट ये ही सबसे बड़ा वो इंग्रेडिएंट है जो कि डिफरेंशिएट करता है आप सक्सेसफुल होंगे या फिर उतना सक्सेसफुल नहीं.
होंगे। एटीट्यूड का तीन कॉम्पोनेंट होता है जिसको बोला जाता है ए बी सी ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का तीन कॉम्पोनेंट होता है जिसको मैं सारा लैंग्वेज में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो एटीट्यूड का ए कॉम्पोनेंट है, पता है ए कॉम्पोनेंट क्या है? ए कॉम्पोनेंट है जैसे ही आप एक छोटे से बच्चे को देखते हो क्या होता है, क्या होता है? अरे क्यूट सा है, होता है ना, बहुत क्यूट है, पता है ना। सबसे पहले वो जो वो कोई आपको आगे नहीं बोलता है, देखो छोटा बच्चा इसको क्यूट बोलना है, वो सिखाया क्या? अंदर से ऑटोमेटिकली होता है। वो होता है एटीट्यूड का ए कॉम्पोनेंट जिसको बोला जाता है इफेक्टिव कॉम्पोनेंट। चॉकलेट, कितने लोगों को यहाँ पे चॉकलेट पसंद है? तो चॉकलेट दिखते ही क्या होता है, थोड़ा सा ले लू, पता है ना। कितने जेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको सिगरेट पसंद है ना, क्या होता है सिगरेट के स्मेल से क्या होता है, यार एक दे दो सुट्टा थोड़ा सा, पता है ना। तो वो जो होता है ना सर, आपके जाने अनजाने पे आपके एटीट्यूड को ये इन्फ्लुएंस करती है और इसी को बोला जाता है इफेक्टिव कॉम्पोनेंट। समझा पाई? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? भगवान का मंदिर दिख जाए तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है ना, ऊपर वाले का होता है ना। तो ये जो है ये है इफेक्टिव कॉम्पोनेंट। समझ में आया? ये आपके जो बिहेवियर है, आप जो डिस्प्ले करो, जो कि लोगों को दिख रहा है, ये इसके कारण होता है। नंबर टू, बिहेवियर, आपका बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। बिहेवियरल कॉम्पोनेंट क्या होता है? आपने जैसे सुबह आप सो के उठे हो, ठीक है, सुबह सो के उठते कई बार होता है ना अंदर से एकदम से, कई बार होता है अच्छा नहीं लग रहा, कई बार होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चे के ऊपर प्रकाश होते हुए देखा, सबसे पहला जो ग्लो है आप अपने बच्चे के ऊपर, क्या यार रोज रोज दिमाग खराब करते हो, जब खुद नहीं कर सकते एक दिन ब्रश, होता है, होता है। कई बार जेंट्स लोग, आप लोग सो के उठते हो एकदम मूड एकदम से ठीक नहीं है जैसे कि, और बीवी ने बोल दिया चले जाओ मार्केट चले जाओ, क्या यार रोज रोज मार्केट देखते होते हैं, एक दिन मैनेज नहीं कर सकते घर पे, देखो फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, होता है, होता है। सो दैट इज बिकॉज उस दिन आपने जब सो के आप उठे हैं, आपको अंदर से वो पॉजिटिविटी, वो फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा है, और आपके जाने अनजाने पे वही चीज आपने अपने बिहेवियर पे डिस्प्ले किया, जो कि आप सबसे पहले आपके घर वाले देख रहे हैं। और इसी एटीट्यूड के साथ जब आप घर से बाहर अपने काम के जॉब पे जाओगे या बिजनेस पे जाओगे, आपके जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी आप इफेक्ट करोगे। कितना ऑर्डर सर, आज कितना ऑर्डर लगा था, अरे यार क्या रोज रोज मुझे पूछ लो, देख लो फोन करके पूछ लो, कोई और नहीं है क्या, बिजनेस सिर्फ मेरा ही है क्या, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या, होता है ना। तो आपके जाने अनजाने पे हो रहा है, बिकॉज ये आपका जो बिहेवियर है वो आपको पुश कर रहा है आपको ऐसे ऐसे एटीट्यूड डिस्प्ले करने के, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट जी, जो कि आपका बिलीफ सिस्टम है। कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट यानी कि आपकी बिलीफ सिस्टम, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, एक गर्ल एक लेडी कार ड्राइव कर रही है। ये देखने पे क्या होता है, रास्ते पे अगर ये नजरिया दिखे तो क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, सर ने सही बोला, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, बस साइड हो जाओ, कोई भरोसा नहीं, साइड हो जाओ, है ना। ये था जेंट्स का रिएक्शन। लेडीज आपको क्या लगता है, लेडीज के लिए होता है इंस्पिरेशन, अगर ये कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ, काश मैं भी ये कर सकती थी, अच्छा है कि ये कर पा रही हैं, ये सब नो राइट। तो
जेंट्स ने जो रिएक्शन दिया बिल्कुल यही होता है उनके दिलो दिमाग पे, यार ये लेडी गाड़ी चला रही है साइड हो जाओ कहीं आके बहुत करेगी, राइट? ये होता है, पता है ये जो आपके जाने अनजाने पे यही होता है, बिकॉज ये आपके बिलीव सिस्टम के अगेंस्ट में है। क्यों? हम बचपन से ये बिलीव करते हुए बड़े हुए हैं गाड़ी चलाने का जो काम है वो जेंट्स करेंगे, वो जेंट्स का काम है, वो लेडीज का काम नहीं है। समझ रहे हो? आपका बिलीव सिस्टम बचपन से हमें आपको यही सिखाया गया है, बिहार झारखंड बंगाल चेन्नई कहीं पे भी चले जाओ सबको यही सिखाया गया है। ये चीज मैंने इंडिया के हर एक लोकेशन में ये सेम स्लाइड रन किया है, यही आंसर मिला है सर। दिल्ली वालों ने भी यही आंसर दिया, लखनऊ में भी यही आंसर मिला, कानपुर में भी यही आंसर मिला, कोलकाता में यही आंसर मिला, मणिपुर में यही आंसर मिला, चेन्नई में भी यही आंसर मिला, बैंगलोर में भी यही आंसर मिला कि भाई साइड हटो लेडी गाड़ी चला रही है, बिकॉज ये आपके बिलीव सिस्टम के अगेंस्ट में है। सोचिए, देखिए आप एक प्लेन में बैठने के लिए जा रहे हैं, आप प्लेन पे बैठने के लिए जा रहे हैं और दोनों ही पायलट और को पायलट लेडी है, तो क्या होगा? हम इंडोनेशिया जा रहे हैं ना, सो क्या होगा? भाई ये इतनी बड़ी प्लेन कैसे उड़ाएगी ये लेडी लोग, होगा ना अंदर से आएगा ना। तो पता है ये आपके जाने अनजाने पे इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा बिलीव सिस्टम हमें ये सिखाया है ये जो बड़े बड़े काम है ये काम जेंट्स का है, ये काम जेंट्स का है। मैं कल परसों में कानपुर में थी और कल मैं आजमगढ़ में थी और मैं यही सेशन रन कर रही थी और बिलीव सिस्टम के ऊपर मैं बात कर रही थी। पता है आपको एक बहुत कॉमन सा चीज मैंने वहां पे फेस किया, मैंने ऐसे जैसे आप लोगों को सवाल कर रही थी ना वहां पे भी मैंने ऐसे ही सवाल किया। लोगों ने पहले तो किसी ने मुझे मैम करके एड्रेस किया, तुरंत वो चेंज होकर सर हो गया, तुरंत दे स्टार्टेड कॉलिंग मी सर। पता है ये बिलीव सिस्टम है कि यहाँ पे आके कोई अगर लीडिंग पोजीशन में है तो वो सर ही होंगे, मैम नहीं हो सकते। अगर मैम है तो थोड़ा सा बिलीव सिस्टम को झटका लगता है, समझ में आया? सो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका बिलीफ सिस्टम आपके एटीट्यूड को काफी हद तक के कंट्रोल करता है, काफी हद तक के आपके एटीट्यूड आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है आपके जाने अनजाने पे। नाउ कमिंग बैक टू योर बिजनेस, आप जब किसी को टीआरएस का बिजनेस समझाने जाते हो कितने लोग वहां पे होते हैं, अरे सर आप भी कल इंतजार था आप नहीं आए थे तो इसीलिए मैंने टीआरएस ज्वाइन नहीं किया था, आ गए सर थैंक यू। कितने लोगों ने सुना है ये? सोल्यूटली ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, राइट? तो लोग नहीं बोलते हैं कि सर आप ही का इंतजार था, नहीं होता है ना। क्यों पता है? क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों के बिलीव सिस्टम के अगेंस्ट में है। लोगों को ये बिलीव ही नहीं होता है या बिलीव करवाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ट्रेनिंग और बहुत यू नो माइंड सेटिंग करनी पड़ती है कि भाई आप खुद कंज्यूम करो, खुद खाओ और लोगों को खिलाओ। तो यही काम करते करते आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और वहां से आपका पैसा आना शुरू हो सकता है, वहां से आपको नेशनल और इंटरनेशनल टूर भी मिल सकता है। ये लोग बिलीव नहीं करते हैं, हाँ या ना? तो उनकी गलती नहीं है, ये जो लेडी गाड़ी चला के जा रही है इसकी गलती है, समझ में आया? क्यों? बिकॉज आप जो बोल रहे हो वो लोगों के बिलीव सिस्टम के अगेंस्ट में है। आप अगर जाके बोल दोगे अरे मैं तो आईएएस हूँ, अरे वाह आईएएस है, अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, वाओ ग्रेट कंग्रेचुलेशंस, मैं लॉयर हूँ, कंग्रेचुलेशंस जी, मैं नेटवर्क मार्केटर हूँ, वो क्या है? कल आइएगा जी बिल्कुल। और फिर ऐसा भी होता है नहीं यार फिर से आ गए अपन कहां छुपू, ये भी होता है। बट ध्यान रखिएगा रिजेक्शन हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, रिजेक्शन हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, बट रिजेक्शन के आगे जो है
वो सक्सेस है और हमें वो छीन के लेके आना है। जिंदगी को जीने के दो तरीके होते हैं, जिंदगी को जीने के दो तरीके होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी को जीने के दो तरीके होते हैं। जो हासिल है उसे पसंद कर लो, या जो पसंद है उसे हासिल कर लो। रिलेशन में आगे चीज है, समझ में आया? सो मैं आपके साथ और एक और एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमने शुरू किया था प्रेजेंटेशन के ऊपर। ओके, प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट होता है, आप लोगों ने बोला था हेजिटेशन होता है जब आप प्रेजेंट करने जाते हो, कई बारी हमें हेजिटेशन होता है, यस और नो? कई बारी हेजिटेशन होता है। सो एक फॉर्मेट में आपके साथ, एक फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसको आप कोशिश करें, अपना अपना जो प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन को उस फॉर्मेट में आप रखने का कोशिश करें, शायद दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो दिस इज कॉल्ड CATT कैट फॉर्मेट, CATT कैट फॉर्मेट। ओके, स्क्रीन में नहीं है, CATT कैट फॉर्मेट। सो सबसे पहले आया सी, सी का मतलब क्या? ओके, सी का मतलब क्या? कॉन्फिडेंस, एक जने ने आंसर दिया कॉन्फिडेंस, और क्या? कनेक्शन, ओके, और कम्युनिकेशन, ओके, और कॉन्फिडेंस, ओके, और हाँ जी, और क्या? ओके, सी फॉर कंटेंट, CONTENT कंटेंट, यानी जो आप बोलने वाले हो, कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, मूल जो आपका मैसेजिंग है वो क्या है, क्या मतलब बेसिकली क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो, वो हुआ कंटेंट, सी फॉर कंटेंट, CONTENT कंटेंट, समझ में आया? जो मूल, जो जो बेसिक, जो बॉडी ऑफ द मैसेज है वो, उसको बोला जाता है कंटेंट। ओके, जैसे कि हम अपने एग्जांपल के तौर पे छोटा सा बता रही हूँ, आप अपने हस्बैंड से, आपको 50,000 रुपए चाहिए, दिवाली में आपको एक कंगन लेना है, और आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, अरे जी 50,000 दे दो, कंगन लेना है, हो जाए, हो गया ना, नहीं बोल सकते। कितने लेडीज में हिम्मत है कि बोल दिया डायरेक्टली, मेरे में तो नहीं है। हम क्या बोलेंगे, अच्छा सुनिए ना, क्या अभी आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है? मैं तो ऐसे बोलती हूँ, एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ, क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है क्या? पूछेंगे क्यों? नहीं मतलब वो थोड़ा सा जरूरत था। अच्छा कितना? ज्यादा नहीं है, 50,000। अच्छा सुनो ना, अगले महीने सैलरी आने के बाद ना मैं दे दूंगी, मैं ऐसे बोलती हूँ। 50,000 का क्या करना है? अरे दिवाली है यार, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, दिवाली है मतलब समझो, कुछ लेना है, 50,000 तो नहीं दे सकता, 25 से काम चलाओ। नहीं 25 से नहीं होगा, 50 ही चाहिए, मैंने बोला ना अगले महीने दे दूंगी। अभी देखिए मेरा चेंज हो रहा है, जो मैंने शुरू किया था, ये जो मेरा टोन है ना, ये चेंज हो रहा है, राइट? समझ में आया? सो बट यहाँ पे कंटेंट क्या है, कंटेंट मूल जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग क्या है, 50,000 रुपए मुझे चाहिए। शुरू किया था किससे, क्या आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है? समझ में आया? मैं क्या आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है, इससे मैंने शुरू किया था, बट मेरा मूल जो कंटेंट, जो मैसेजिंग है वो क्या है, मुझे 50,000 रुपए आपके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कराना है। समझ में आया? सो जब भी आप थियांस के प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, मूल मैसेजिंग क्या होता है कि भाई ब्रॉन्ज नहीं तो सिल्वर, नहीं तो गोल्ड, नहीं तो कुछ भी, नहीं तो कुछ तो करके ज्वाइन कर लो, ये सुन लो, ज्वाइनिंग के मकसद से हम जाते हैं। तो किसी को जाते ही आप ये नहीं बोल सकते ज्वाइन कर लो, बोल सकते हैं क्या? तो जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करेंगे? हर इंसान को, ध्यान रखिएगा, हर इंसान को एप्रिसिएशन पसंद है। क्या पसंद है? एप्रिसिएशन पसंद है। अब एप्रिशिएट करने का एक कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, एप्रिशिएट करके लोगों के साथ बात स्टार्ट कर,
करने का एक कॉमन ग्राउंड ढूंढिए पहले, उसको अप्रिशिएट करके अगर उसके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, दिल का एक कनेक्शन बनेगा। मैं आपको यहीं पे खड़े खड़े एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मैंने मैडम को बोला था, मैडम क्या आप भी इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई हैं? इन्होंने बोला था हाँ, मैं भी इस्कॉन की शिष्य हूँ, मैं भी इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे और मैडम के बीच में एक कॉमन ग्राउंड वहां पे एस्टैब्लिश हो गया, वो है जय श्री कृष्णा। ओके, तो उसके बाद अगर मुझे मैडम को कियांस का प्रेजेंटेशन देना है, राइट, मैं कैसे करूंगी? मैं कोशिश कर सकती हूँ, राइट। मैडम क्या आप बैठिए, इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई है? Yes. तो मैं भी इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे फिर किसी से ऐसे मिल रही हूँ एक अनजान शहर में, जो कि हमारे मंत्र से मंत्रित है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करनी है आप? हरे कृष्ण। मैं शोला माला चैंटिंग करती हूँ, उसके लिए मैं सुबह 3:30 उठती हूँ और स्नान करके, अभी जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो 3:30 स्नान करती हूँ, उसके बाद सोलह माला चैंटिंग करती हूँ, उसके बाद अपना बिजनेस और सेंटर देखती हूँ। ग्रेट अमेजिंग, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आप 16 जब कर लेती हैं, मैं तो दो मेरा जो संकल्प है दो का है, बट वो भी कभी कभी बहुत मुश्किल से हो पाता है। थैंक यू। और क्या करती है मैम? आप यहीं पे आ जाइए, वही कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। और क्या करती है? फिल्म इंडस्ट्री में भी जाती हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे डॉक्टरों से भी कांटेक्ट हो रहा है, तो सेलिंग की अभी मेरी उसकी भी बात होती है, और पेशेंटिंग भी है, पेशेंटिंग भी रिजल्ट भी काफी अच्छे आते हैं। ओके, क्योंकि मैं टियांस 2 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। अच्छा, ये तो पहले से टियांस में जुड़ी हुई है। नहीं, आप ऐसे बोलिए कि आप अभी भी टियांस के साथ जुड़े हुए नहीं है, आप मेरे प्रोस्पेक्ट है और मैंने कॉमन ग्राउंड ढूंढा है जो कि आप भी इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई है, राइट। ओके, अभी भी आप चयंस नहीं करती है। आप चलिए, चयंस से पहले आप क्या करती थी उसका आप सोच के बताएं। मैम, टियांस के पहले मैं सबसे पहले तो बता दूँ कि मैं पटना की स्टूडेंट हूँ और पटना से मेरा फिजियोथेरेपी का कोर्स हुआ है, उसके बाद मेरा बीएचयू से योगा का कोर्स हुआ है। ओह वाओ, ग्रेट। सो योगा और फिर फिजियोथेरेपी दोनों का आपने कोर्स कर रखा है। यस मैडम, अमेजिंग। तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करती, जो आपने ये नॉलेज लिया है? मैम, सबसे पहले मेरी मुलाकात गौरव सर से हुई थी, गौरव सर, आनंद सर और मेनका मैम, मतलब इनकी पूरी टीम गई हुई थी, तो मैं 2 मिनट टाइम लेना चाहती हूँ। हाँ जी, जरूर। पहले तो सबसे पहले तो मैम जब मिले तो मैं लगा कि फर्स्ट टाइम वो मकर संक्रांति का दिन था, तो हमें लगा कि अरे यार एक दिन तो छुट्टी मिली और ये लोग मिले और मेरी तो आज की पूरी दिन गई। लेकिन जब पहली बार BCM यूज किए तो काफी अच्छा लगा, और फिर मुझे ये लगा वहां से मुझे एक बिजनेस मिला कि नहीं, मैं ये मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और मैं इसे अच्छा इनकम का सोर्स कर सकती हूँ। और इनकम तो मतलब बाद में सोची, सबसे पहले लगा कि मैं फिजियोथेरेपी में इसको बहुत अच्छा यूज कर सकती हूँ और पेशेंट का रिजल्ट वेरी गुड, और ज्यादा बढ़। वेरी गुड मैम, के लिए जोरदार तालियां। 2-3 ऐसे पेशेंटों का रिजल्ट मिला है, जैसे हेमरेजिक पेशेंट पहले भी देखते थे लेकिन फिजियोथेरेपी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो आज आया है। वेरी गुड। उसके पहले मैं जॉब करती थी हॉस्पिटल में, तो मैम वही अपना सुबह से शाम ड्यूटी और एज ए वर्कर की तरह काम करना, लेकिन जब मैं अपना सेल्फ सेंटर खोली तो फिर मुझे ये लगा कि जैसे मैं नॉर्मली हेमरेजिक पेशेंट में 3 महीने का टाइम लेती थी, 3 महीना या 4 महीना 6 महीना पेशेंट के ऊपर, लेकिन अब मैं ध्यान के बल पे ये कह सकती हूँ कि 15 से 20 दिन में आपको कम से कम 80% रिजल्ट मिल जाए। जिसको मैं 7 डेज में, मेरे पास वीडियो भी था और मैं वीडियो भी शेयर की थी, तो मैम उसको मैं फर्स्ट डे हम लोग पकड़ के उसको चलाए थे, लेकिन 7 डेज में पेशेंट को खुद से वॉकिंग करा के भेजे, काफी अच्छा रिजल्ट मिला। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिले, ब्रेस्ट ट्यूमर का भी रिजल्ट मिला, बहुत ऐसे केसेस का मिला है। तो टियांस को तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। देखिए यहाँ से जो इन्होंने जो सक्सेस स्टोरी शेयर किया, सक्सेस
स्टोरी को आप शेयर कर सकते हैं। नाउ जो मैं कंटेंट के बारे में बात कर रही थी, जो हमारा जो मूल जो मैसेजिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप में हेजिटेशन है, आप कैसे उस हेजिटेशन को क्रॉस करके अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर सकते हैं। सो अगर ये मैडम मेरे पास है और इन मैडम से अगर मुझे बात करनी है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। आई कैन ट्राई, मैडम आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपकी साड़ी, ग्रेट, थैंक यू मैडम। मेरा नाम लूना है, आप यहीं के हैं, बनारस के ही हैं, गाजीपुर से आए हैं, वाओ। और मैडम क्या करती हैं आप? अच्छा, इससे जुड़ने से पहले कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं के स्टेज पे रहिए 5 मिनट के लिए। ओके, सो मैडम आप वैसे वैसे और क्या करती थी, आपका क्या ड्रीम क्या है, क्या करना चाहती हैं? ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो मतलब किस चीज को पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं? आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से घर गृहस्थी संभाल रही हैं। सर क्या करते हैं? मैम सर का दुकान है, तो खुद के दुकान है, वाह ग्रेट, मतलब शॉप ओनर है हा? तो क्या आप सर को भी सपोर्ट करते हैं उनके बिजनेस में? ओके, तो सर और आप दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, ग्रेट। और मैम पता है आपको, मैं भी एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हूँ और इस बिजनेस को मैं पिछले 5 महीनों से कर रही हूँ, और मुझे पहले इस बिजनेस जो बिजनेस मैं कर रही हूँ इससे पहले मैं जॉब करती थी और जॉब में मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी, जो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, खुद आप चलाते हैं, आप खुद अपने शॉप को खोलते हैं, आपको पता है कि कैसे टाइम मैनेज करना है ना, तो अब मुझे वो चीज समझ में आ गया और मुझे बहुत अच्छे से मैं अपना बिजनेस को चला रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ना फॉरेन ट्रिप करूँ, मेरा सपना है कि मैं एक फॉरेन ट्रिप जरूर जाऊं और मैं जिस कंपनी के साथ हूँ उस कंपनी में ये फॉरेन ट्रिप का मौका मिलता है। मैं इसके बारे में आप और सर से मिलके थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं और एक अगर एक्स्ट्रा बिजनेस आपके बिजनेस में जुड़ जाए और थोड़ा सा और इनकम आ जाए तो कैसा लगेगा, मैं बेटर हो जाएगा। चलिए तो मैं कल शाम को आपके वहां पे आती हूँ, ठीक है, शाम को आती हूँ 5 बजे और फिर चाय पियेंगे बैठ के, ठीक है, कल मिलते हैं चाय पे मैम, थैंक यू। ऐसे आप क्रैक करने का कोशिश कर सकते हैं, दिस इज वन। अब मैं जब इनसे मिलने जाऊंगी तब मैं इन मेरे से ज्यादा इनके बारे में बात करूंगी, ओके, मैं मेरे से ज्यादा इनसे बात करूंगी। सुनिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हम और आप हम सब लोग कस्टमर्स हैं कहीं ना कहीं, और कस्टमर्स हमेशा ये ढूंढते हैं कि मेरा फायदा ज्यादा हो। क्या आप कभी भी किसी दुकान से सामान खरीद के लाओगे ये सोच के कि दुकानदार का फायदा हो? यस और नो? आंसर इज नो। आप हमेशा ये सोचोगे कौन से दुकान से जाके सामान खरीदे कि मेरा फायदा ज्यादा हो, यस यस। तो ध्यान रखिएगा, जिसके पास आप गए हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि मेरा फायदा ज्यादा हो। सर आपको यहाँ से अगर महीने का एडिशनल 10,000 रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा रहेगा राइट? तो अगर आपने उनको बोला सर आपको एडिशनल 10,000 आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनके फायदे का बात है। नंबर टू, आपको ढूंढना पड़ेगा और बताना पड़ेगा वही चीज जो उनके मतलब का है। आप देखिए, आप ये 20 से 25 साल वाले जो बैठे हुए हैं उनको जाके अगर बोलेंगे हम बीमारियों का डर उनको अगर दिखाएंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा? आंसर इज बिल्कुल एन ओ नो। अगर कोई आके मेरे को टियांस का प्रेजेंटेशन देंगे और मुझे बोलेंगे मैडम बताए आपको इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर आपने ये ले लिया तो अरे यार बीमारी क्यों, वाई? मेरा सपना है फॉरेन ट्रिप, मुझे कोई आकर मेरे मतलब का बात बताए मैडम आप ध्यान करोगे ना तो यहाँ से आपको फॉरेन ट्रिप पाने का मौका मिल सकता है, वो मेरे फायदे का बात है। कोई आके अगर मुझे बोलेगा मैडम ध्यान से ऐसा कंपनी है जहाँ पे ना आपको गाड़ी मिलने का मौका मिलेगा, तो वो मेरे मतलब का बात है। हाँ,
आप अगर मेरी मम्मी से मिलेंगे और मेरी मम्मी को बोलेंगे मैडम टियांस में जिम्नीमा करके एक बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करके आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ सकता है, मेरी मम्मी बोलेंगे अच्छा ये भी ट्राई करके देखते हैं। मेरी मम्मी के लिए वो फायदे का बात है, मतलब का बात है। मेरे लिए जिंदगी में कोई मतलब नहीं रखता, बिलीव मी। मेरे लिए फॉरेन ट्रिप, मेरे लिए गाड़ी, मेरे लिए यू नो फंड्स मतलब रखते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा किसको क्या बोलना है। कंटेंट, कंटेंट किसके लिए क्या होना चाहिए वो आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा एक ही मूल मंत्र है, क्या है वो, अगले के फायदे के बारे में बात बताएं। मैंने 21 कंट्री घूमा है, इनके लिए क्या मतलब है। भाई तूने घूमा है, तेरे पास है, मुझे क्यों बता रहा है, तुझे क्या बता रही है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे बताऊंगी, मैं सही बोल रही हूँ आपको, आपने किया है यार, आपकी लक है, थैंक यू। व्हाई आर यू सेइंग दिस, अब ये बिल्कुल सही पोजीशनिंग नहीं है। आपने 21 फॉरेन ट्रिप किया जरूर है, पर सही पोजीशनिंग में वो उसको टैपिंग करो। यहाँ पे मत बोलो, यहाँ पे बोलो मैडम आप जा सकते हैं, अब मैंने किया है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी कर सकते हैं। सर आपको अगर पैसे चाहिए, मैंने अपना जॉब छोड़ा है, ध्यान से जॉब से ज्यादा पैसा कमाती हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप कमा सकते हैं। आप उनके मतलब का बात करो, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन सी सी में आप उनके मतलब का बात करो, कंटेंट में उनके मतलब का बात करो, कंटेंट में अपना जो भी सक्सेस किया है ना वो मत बोलो, ठीक है। सी हो गया, क्लियर है, सी क्लियर है। शुरू करना है किस चीज से, कॉमन ग्राउंड, एक एप्रिसिएशन, कॉमन ग्राउंड एप्रिसिएशन, ओके। अब ये अप्रिशिएट करते करते ये मत बोल देना मैडम आपके माथे पे ये क्या हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मत बोल देना। अप्रिशिएट करना तो अप्रिशिएट करने का एक चीज ढूंढ के अप्रिशिएट करना, समझ में आया, ओके ग्रेट। मूविंग ऑन, सी के बाद है ए, ए फॉर, ए फॉर एप्पल है यार, ए फॉर एटीट्यूड, ओके नॉट बैड, ग्रेट। ए फॉर, ओके एटीट्यूड, ए फॉर अटेंशन, ए फॉर अटेंशन। आपने कंटेंट में उसके मतलब का बात बताया, टियांस को प्रेजेंट किया, टियांस से उसको कैसे फायदा मिल सकता है वो बोला, काम खत्म। इसके बाद है अटेंशन, आपको अगले का अटेंशन आपको ग्रैब करना है, आपको अगले का अटेंशन ग्रैब करना है। मैडम मैं टियांस ज्वाइन करने से पहले जॉब करती थी, जॉब में मुझे जितना पैसा आता था उस पैसे से मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भेज सकती थी, ओके इतना पैसा नहीं बचता था। और मुझे ना गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे अपने लिए गाड़ी लेनी थी, वैसे तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल था, तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी ताकि मेरी इनकम में एडिशनल कुछ फोर्स आ जाए। तो जॉब के साथ साथ मैंने टियांस करना शुरू किया, ओके और टियांस मैंने एक दो महीने करने के बाद मैंने देखा यहाँ से मुझे लगभग 5-6 हजार रुपए आना शुरू हो गए। तो तीन घंटे इन्वेस्ट करने से 5 हजार आ रहा था, तो मैंने धीरे धीरे टाइम इंक्रीज किया और आज के डेट में मुझे अपने जॉब से सैलरी से ज्यादा पैसा टियांस के बिजनेस से आता है, राइट। तो जितना पैसा आता है उससे आज तो मैं अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज सकती हूँ, राइट। और मैं और भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, आगे लेके जा रही हूँ, ताकि मैं जो गाड़ी मैं लेना चाहती हूँ वो टियांस से मैं ले सकूँ, टियांस कार फंड से मैं अपनी गाड़ी को ले सकूं, वो मेरा सपना है। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पिछले 5 महीने में ऐसे मेरा चेक इंक्रीज हुआ है, पहले इतना आता था, अभी इतना आता है, अभी इतना आता है, राइट। और मैडम मैं आपको बहुत, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं अभी ना दुबई ट्रिप के लिए भी क्वालिफाई की हूँ, और नॉट ओनली मी, मेरी टीम से और दो लोगों ने दुबई ट्रिप क्वालिफाई किया है। देखिए ये दो लोग हैं जो कि मेरी टीम से मेरे साथ दुबई जाने वाले हैं, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि बिकॉज आप लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे कि कैसे आप अपने छोटे छोटे सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स लेके टियांस के साथ फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि ये किसने किया है, जैसे कि इसने किया है, जैसे कि इसने किया है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरी तरफ उनको अटेंड करवा रही हूँ, मैं उनको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने किया है, प्रूफ दिखा रही हूँ, मैं पिछले 5 महीने का चेक इसको दिखा रही हूँ, और मैडम ये मेरा सैलरी था, ये मेरा आज के डेट का चेक है, दोनों का डिफरेंस दिखा रही हूँ, और ये भी दिखा रही हूँ
कि मैंने अपने साथ साथ मेरे टीम वालों को भी क्वालिफाई करवाने में मदद किया है। तो अब इनको क्या हो रहा है, ये मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मेरे तरफ अटेंशन दे रही है और सोच रही वाकई में इसने कुछ किया है, इसके साथ बात किया जा सकता है। या सी ए के बाद है टी, टी टी फॉर, टी फॉर अजी, टी फॉर क्या हो सकता है, आपने कंटेंट दिया, आपने अटेंशन ग्रैब किया, उसके बाद टी, सोचिए लॉजिकली, सोचिए लॉजिकली, सोचिए आपने किसी को प्रेजेंटेशन देने का है आपको, उसको आपने उसके मतलब का बात बताया, आपने अपने बारे में थोड़ा सा उसको बताया, पूरा राम कहानी नहीं, थोड़ा सा आपने बताया, आपने प्रूफ दिखाया, अब क्या हो रहा है, अब टी, टी नो, सोचिए सोचिए लॉजिकली सोचिए, आप किसी इंसान के सामने बैठे हुए हैं, आपने उसको इतिहास बताया, आपने अपना सक्सेस स्टोरी बताया, क्यों बताया, क्या करना चाह रहे हो उसके दिल में, अपने लिए क्या करना चाह रहे हो, टी फॉर, टी फॉर ट्रस्ट, एब्सोल्युटली जोरदार तालियां, ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट, आप अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, हम इस चीज का एक बिल्कुल डिफाइंड है, हम उसी इंसान से कुछ भी खरीदते हैं जिसको हम ट्रस्ट करते हैं, हम उसी से खरीदते हैं जिसको हम ट्रस्ट करते हैं, जिसको हम ट्रस्ट नहीं करते हैं उसे कभी भी हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। सोच के देखिए, LIC एजेंट, आपके पिताजी के टाइम पे भी घर पे आते थे अंकल, आपके टाइम पे भी आते हैं, और चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम और आप LIC जो एजेंट अंकल घर पे आते हैं उन्हीं से खरीदेंगे, LIC का पॉलिसी, यस और नो, यस। बैंकिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला बैंक कौन सा आता है दिमाग में, एब्सोल्यूटली करेक्ट, चाहे वो श्रीनगर हो या फिर श्रीकुलम हो, लोग SBI ही जवाब देते हैं, बिलीव मी, इंडिया के अंदर जहां पे भी मैंने ये सवाल पूछा है यूनानिमसली लोगों ने बोला है SBI, सबसे पहला अकाउंट तो SBI में ही होता है हर किसी इंडियन का, ये सुन लो, राइट, क्यों, ट्रस्ट, ट्रस्ट, हम SBI बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तब जाके वहां पे अकाउंट खुलवाते हैं। सो आपने जिस इंसान को प्रेजेंटेशन दिया है उस इंसान आपसे साइन अप तभी करवाएंगे जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और लास्ट टी, आपने प्रेजेंटेशन दिया, अपने सक्सेस स्टोरी बताया, वो अभी थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर रहा है या कर रही है, तो लास्ट टी क्या है, अब क्या होगा, ओके, ये जो टी है ये क्या है, लास्ट टी इज, लास्ट टी इज ट्रस्ट हो गया, अभी तो बताया क्या होगा, मैंने बता तो दिया था क्या होगा, दिस टी इज, दिस टी इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, सो कंटेंट, उसके बाद अटेंशन, उसके बाद ट्रस्ट, उसके बाद ट्रांजैक्शन, ये एक बहुत ही छोटा सा बट पावरफुल प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी है। अगर अपने प्रेजेंटेशन को ये चार चीजों में आप डिवाइड करके अपने आप को तैयार करोगे, आपका प्रेजेंटेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक इंसान को प्रेजेंट करने जाओ, चाहे वो जूम पे करो या फिर फिजिकल क्लासरूम में करो, प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करके ही प्रेजेंट करने जाना, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करके जाओगे गलती नहीं होगी। आज के डेट में हम ऐसे ही चले जाते हैं, हमको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट मुझे लगता है, मुझे, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, 15 साल के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे हर दिन अपने आप को बेटर करना है, किसी और के लिए नहीं, जिस इंसान को आईने में हर दिन देखती हूँ उस इंसान के लिए मुझे बेटर करना है। यस, यस, जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं लोग आपको रिजेक्ट करते हैं और लोग आपको ये बहुत बारी बोलते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ बट पैसा नहीं है, सुना है इस चीज को, पैसा नहीं है, करना तो चाहता हूँ बट पैसा नहीं है।
नहीं है बोलता है, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, लोगों का फोकस होता है कि नहीं है, लोगों का फोकस होता है नहीं है, पैसा नहीं है पे उनका फोकस है। और आपने देखा होगा इनमें से कोई भी आपके पास वापस आके कभी भी साइन अप नहीं किया है, यस और नो? इनमें से कोई भी कभी भी साइन अप नहीं करते हैं, क्यों पता है? क्योंकि इस वाकई में इनके पास कभी भी पैसे नहीं होते हैं, कभी भी, क्योंकि फोकस ही है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर फोकस होगा तो नहीं होगा, सिंपल, ध्यान दीजिए इस बात पे, नहीं है, अगर फोकस होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो लेवल, आपका जो वाइब्रेशन है, आप वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, क्या करना है हमें? फोकस शिफ्ट करना है। अगर नहीं है मेरे पास, हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ? शिफ्ट योर फोकस, देखिएगा मैजिक हैपेंस। मैंने अपने घर पे होते हुए देखा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपने हस्बैंड के साथ होते हुए देखा है, राइट? मैंने अपने हस्बैंड का फोकस शिफ्ट करवाया है, सक्सेसफुली फोकस शिफ्ट करवाया है। और मैंने देखा है जो इंसान हमेशा से ऐसे ही सोचते थे कि हाई पैसा टैक्स होता है ना, वैसे ही सोचते थे, आज के डेट में वो ब्रांडेड छोटे कुछ नहीं पहनते हैं, फोकस शिफ्ट हो गया है। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? आप जब पैसा खर्च करोगे तब पैसा कमाने का जो डिजायर है तभी पैदा होता है, पैसा खर्च ही नहीं करोगे तो पैसा कमाने का जज्बा नहीं आता है इंसान के अंदर। अगर आपको, अगर आप एक मारुति 800 में हैप्पी है तो why will you go for an MG Hector? क्यों? मैं हैप्पी हूं ना मारुति 800 में, बट मैं हैप्पी नहीं हूं, मुझे MG Hector चाहिए तो MG Hector ही चाहिए। 17 लाख की है ना, तो हाँ ठीक है, 17 लाख की ही गाड़ी आएगी घर पे, गाड़ी आएगी 17 लाख की, वो होता है फोकस। और आया फोकस, वो होता है फोकस शिफ्ट करो, पैसा जिस दिन खर्च करना आ जाएगा ना, देखोगे पैसा कमाना भी आ गया है, पैसा खर्च जितना करोगे उतना पैसा कमाने का जज्बा आएगा। दिस इज साइंस, दिस इज साइंस, दिस इज साइंस, इट कैन नॉट बी डिविएटेड, दिस इज साइंस। ओके, राइट? यस और यस? यस और यस? यस और यस? अपने ऊपर काम कीजिए। जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें सब कुछ पता है, प्रिपेयर करके जाइए, जिसके साथ प्रेजेंटेशन करना है अगर पॉसिबल हुआ उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हुए जाइए। अप्रिशिएट कीजिए, CATT फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को तोड़ने का कोशिश कीजिए, देखिएगा You will get all your answers. आपको अपना आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, राइट? मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, जितना भी टिप्स मुझे आता है, जो भी मैंने फील्ड से सीखा है, मैंने कोशिश किया फील्ड को वापस देने का, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है आज, राइट? एंड मैं डेफिनेटली मैं आशा करूंगी नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे, हम सब के सब यहाँ पे प्रोग्रेस लेवल में, एक लेवल अप हम सब यहाँ पे मिलेंगे। यस, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। दोबारा याद रखिएगा, जिंदगी को जीने के दो तरीके होते हैं, वन जो हासिल है मारुति 800 उसे पसंद कर लो, या फिर जो पसंद है एमजी हेक्टर उसे हासिल कर लो। जोरदार ताली होनी चाहिए मैम के लिए। कैसी लगी ट्रेनिंग? शानदार। नींद तो नहीं आ गई? नहीं।